धर्म स्नेही बंधुओं, आत्मा के मुख्य दो गुण हैं। वैसे तो अनंत गुण हैं, लेकिन मुख्य दो गुण हैं, ज्ञान और दर्शन। ठीक है, कई दिनों से ज्ञान पर चर्चा चल रही है। ज्ञान के पांच भेदों पर, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः पर्याय और केवल ज्ञान। तो ज्ञान पर तो काफ़ी चर्चा हो गई, और चर्चा क्या, ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, वो सब कहाँ है? सारे ज्ञान, इस सारे ज्ञान मुझ में है। किस में है? सारे ज्ञान मुझ में है, मैं ज्ञानी आत्मा हूँ। भेद का कारण है कर्म। मूलतः केवल ज्ञान ही मेरा ज्ञान है। भेद किसके कारण हुए हैं? कर्मों के कारण। कर्म जितना देखने देते हैं उतना देख लेते हैं, जितना जानने देते हैं उतना जान लेते हैं। औदयिक भाव में यदि जीते हैं तो बस कर्मों के फल को भोग रहे हैं। तो ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग हैं या एक हैं? अरे बोलिए ना, अलग है या एक है? ज्ञान और दर्शन। आप मंदिर क्या करने जाते हो? देव दर्शन। कौन से दर्शन? देव, भगवान कुछ तो देव। घर दो, मकान देव, घर देव, धन देव, कुछ तो देव भगवान। कौन से दर्शन करने जाते? देव दर्शन या देव दर्शन? अच्छा, तो मंदिर में आप क्या करने जाते हो? देव दर्शन करने जाते हो। फिर आपके बेटे को यदि बहू लानी है तो आप फिर क्या करने जाते? लड़की दर्शन करने जाते या लड़की देखने जाते हो? हैं? तो भगवान के दर्शन में और लड़की के दर्शन में क्या अंतर है? जब कोई बीमार हो जाता है तो क्या करने जाते हो? बोले उन्हें देखने जा रहे हैं। अबे क्यों देखने जा रहे हो? ज्ञान और दर्शन, दर्शन अलग है और ज्ञान अलग है। आपने कहा हम देव दर्शन करने जाते हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। दर्शन के भी चार भेद हैं, ज्ञान के पांच भेद हैं और दर्शन के चार भेद हैं, है ना? चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन का मतलब आँखों से देखना। अचक्षु दर्शन का मतलब, चक्षु के अलावा जो अन्य इंद्रियां हैं, है ना, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इनके माध्यम से जो ज्ञान होता है, उसके पहले जो होता है, ज्ञान के पहले की जो स्थिति है वो दर्शन है। अकेले आँखों से देखना ही देखना नहीं है, अन्य इंद्रियों से ज्ञान होने के पहले की जो स्थिति होती है उसको कहते हैं दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। अवधि ज्ञान होने के पहले जो होता है वो अवधि दर्शन। और केवल दर्शन, केवल दर्शन, केवल दर्शन और केवल ज्ञान, अभी चर्चा करूंगी केवल दर्शन पे। अभी पहले अपन दर्शन की चर्चा कर लें, इसकी चर्चा बाद में करेंगे। तो दर्शन क्या है आपसे प्रश्न है, आप दर्शन किसे कहते हो? ये मुझे ही बहुत दिन बाद समझ में आया था, कितने बार पढ़ लिया था, मुझे ही बहुत बाद में समझ में आया था, आपको इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा? आंखों के सामने कोई चीज आई और आपने उसे देखा तो इसे क्या कहोगे?
ज्ञान या दर्शन? अरे बोलिए ना, इसे क्या कहोगे? भाई चीज़ आपके सामने आ गई, आपने उसे देख ली, मान लो कोई किताब है, किताब आपके सामने आई और आपने देख लिया, देखने के बाद जैसे ही आपने देखा तो आपको ज्ञान हो गया, तो वो तो ज्ञान हो गया, दर्शन कहाँ हुआ? दर्शन का भाई आपने ये जान लिया कि ये किताब है, जान लिया ना, जब जान लिया तो जानना ज्ञान है, जानना क्या है? ज्ञान है, तो ये दर्शन कहाँ हुआ? चलिए मैं बताती हूँ। मान लो मैंने आपसे कहा कि अंदर एक किताब रखी है, उठा कर लाओ, ठीक है? मैंने आपसे कहा कि अंदर एक किताब रखी है, उठा कर लाओ। अब आपको किताब शब्द तो समझ में आ गया, लेकिन अब वो किताब मोटी है, पतली है, लंबी है, चौड़ी है, किस कलर की है, आपको कुछ भी नहीं पता, आपको कुछ भी नहीं पता, तो ये हो गया दर्शन। ये क्या हो गया? दर्शन। और जैसे ही आप किताब के सामने गए और किताब को आपने जान लिया, तो ये हो गया ज्ञान। मति ज्ञान के और कितने भेद हैं? अवग्रह, ईया, आवाय और धारणा, ये चार भेद है ना। इस अवग्रह, ईया, आवाय, धारणा में क्या होता है? अवग्रह कुछ गया, ईया कुछ सफेद सा था, आवाय ये बगुला ही था, धारणा हाँ ये बगुला है मुझे याद हो गया, यही भेद है ना। ये किसके भेद हैं? ज्ञान के। किसके भेद हैं? मति ज्ञान के भेद हैं ये। तो जैसे ही वस्तु आपके सामने आई तो वो ज्ञान हो गया, अवग्रह हो गया। कौन सा ज्ञान हो गया? अवग्रह मति ज्ञान हो गया। आपने कुछ जाना सफेद सा है, ईया ज्ञान हो गया है, अरे ये तो बगला ही है, आवाय ज्ञान हो गया, और याद हो गया तो धारणा ज्ञान हो गया। तो ये वस्तु सामने आ गई, इसका मतलब वो ज्ञान है। और वस्तु आने के पहले, जैसे हम यहाँ बैठे हैं, आप प्रवचन सुन रहे हैं, अब बाहर घंटे बज रहे, गाड़ियाँ जा रही, ट्रक जा रहे, आपको कुछ नहीं पता, पता है क्या आपको? नहीं पता है। लेकिन एक मिनट के लिए बिल्कुल सब मौन हो जाएं और आपको कहा जाए कि नमोकार मंत्र पढ़ो, फिर उसके बाद क्या होगा? फिर आपको बाहर की चीज़ें सुनाई देंगी कि नहीं देंगी? अरे बोलिए ना, क्यों देंगी, क्यों देंगी? क्योंकि अभी आपका दर्शन और ज्ञान दोनों यहाँ लगा हुआ है, और जैसे यहाँ शांति होगी तो वैसे ही आपका दर्शन, ज्ञान नमोकार मंत्र में तो लगता नहीं है, मन तो लगता नहीं है, दिमाग खाली हो जाता है, तो जो बाहर की आवाज़ें सुनने के लिए, जो सामान्य प्रतिभास के लिए हमारा उपयोग जाने के लिए जो स्थिति बननी चाहिए वो स्थिति बन जाती है, और उस स्थिति का नाम है दर्शन। दर्शन शब्द समझ में आया कुछ? जैन धर्म इतनी सूक्ष्म गहराई में पहुंचाता है कि पहुंचने के बाद लगता आहा हा हा, ऐसा भी है जीव, ऐसा भी है ज्ञान, ऐसा भी है दर्शन, ऐसा भी है। ये सारी चीज़ें समझने के बाद एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग अनुभव आता है, एक आनंद की अनुभूति होती है, और पता चलता है कि कितना सूक्ष्म है। अब जैसे एक उंगली घुमाई तो आपको लगा कुछ नहीं, एक सेकंड भी नहीं हुआ, एक सेकंड। और जैन धर्म ने एक सेकंड के असंख्यात टुकड़े कर दिए, एक आंवली कितने टुकड़े कर दिए? असंख्यात। इतने में असंख्यात, संख्यात नहीं, संख्यात कितना है कभी गिना आपने? आप तो संख्यात को ही नहीं गिन पाओगे। इकाई ना, बोलिए बोलिए, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, अरब,
दस अरब खरब, दस खरब नील, दस नील पद्म महापद्म। और बोलो, मुश्किल से 13-14 आंकड़े हो पाएंगे हैं? हाँ, संख महासंख कर लो, 14-15 आंकड़ों से ज्यादा नहीं है। और जैन धर्म में जो तिलोय पंडति है उसमें 28 अंक प्रमाण गणित बताई है। कितनी? 28 अंक प्रमाण। जहां तुम्हारा कैलकुलेटर खत्म हो जाता है वहां से जैन धर्म शुरू होता है। तो दर्शन और ज्ञान, और दोनों अलग अलग हैं, इन्हें एक भी नहीं कर सकते हैं। यदि आपका दर्शन और ज्ञान कहीं और लगा हुआ है तो आप किसी और की बात सुन नहीं सकते हैं। जब तक तुम्हारा दर्शन का उपयोग यहां नहीं होगा, दर्शनोपयोग नहीं होगा, तब तक ज्ञानोपयोग नहीं होगा। आप टीवी देख रहे हो बैठ के, हाँ, वहां पर आपका कोई मनपसंद सीरियल चल रहा है, कोई एक गिलास पानी मांगे तो सुनाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि आपका दर्शन और ज्ञान पूरा वहीं लगा हुआ है। तब सुनाई दो तब पड़े। तो चार इंद्रियों से होने वाला अचक्षु दर्शन जैसे आंख के विषय में है, ऐसे ही जिह्वा के विषय में है। अब मोबाइल देख के खाना खाओ, टीवी देख के खाना खाओ, स्वाद ही नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग टीवी में लगा हुआ है। इसलिए कुछ खा लो, बच्चों को मोबाइल दिखा के कुछ खिला दो, उन्हें स्वाद ही नहीं आएगा। बोलिए हाँ या ना है? तो ऐसे ही सूंघने वाली बात है। यदि आपका उपयोग कहीं और लगा हुआ है तो आपको कहीं बदबू खुशबू आ रही होगी, आपको पता ही नहीं चलेगी। अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको ठंड लग रही है, आपको पता ही नहीं है। पांव ठंडे भी होंगे तो अभी आपको नहीं पता, क्योंकि आपका पूरा दर्शनोपयोग ज्ञानोपयोग प्रवचन में लगा हुआ है। और जैसे ही यहाँ से हटेगा, वैसे ही बहुत ठंड हो रही, पांव तो ठंडे हो गए मेरे, वैसे ही उपयोग कहाँ चला जाएगा? वहां चला जाएगा। तो जो कार्य आंख के विषय में है, चक्षु इंद्रिय के विषय में है, वही कार्य अन्य इंद्रियों के विषय में होता है, और उसको कहते हैं चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन, अचक्षु का मतलब चार इंद्रियां, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ऐसे सुनाई नहीं पड़ता। यदि आप अपने मोबाइल में लगे हो या कोई काम कर रहे हो तो सामने से बाजे निकल जाए, सुनाई पड़ेगा आपको? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप अपने दूसरे उपयोग में लगे हुए हो। तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग, ज्ञान और दर्शन। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अब जो दर्शन और ज्ञान है वो संसारी प्राणी का अलग अलग होता है। पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान होता है। भेद हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन होता है। द्रव्य संग्रह में आचार्य नेमिचंद स्वामी लिखते हैं, दंसन पुब्बम नाणम छदमत्थानम न दुर्नि उपयोगा जुगवम जम्मा केवली नाहे चुगमम तुते देवी। दंसन पुब्बम नाणम, दर्शन पूर्वक ज्ञान। दंसन पुब्बम नाणम छदमत्थानम न दुर्नि उपयोगा, छदमस्तों का दोनों एक साथ नहीं होता है। क्या? छदमस्तों का दोनों एक साथ नहीं होता है। जुगमम जम्मा केवली, जुगमम एक साथ, युगल एक साथ, केवली जुगमम जम्मा केवली, केवली भगवान का एक साथ दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, उनका अलग अलग नहीं होता है। और छैढाला में भी यही बात कहते, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता जाने एक ही काल। अब इन्होंने यहां ज्ञान दर्शन शब्द नहीं दिया है, लेकिन हमें इससे अर्थ निकालना है। एक ही काल यानी संसारी प्राणी का दर्शन का काल अलग है और ज्ञान का काल अलग है, लेकिन
जो केवली भगवान हैं उनका दर्शन का काल और ज्ञान का काल एक ही है, उनको दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है। आपको कैसे होता है? अब आप कहोगे माता जी हमें तो कुछ पता ही नहीं चलता, बस हो जाता है, हमें तो दिन भर होता रहता है मगर हमें पता कुछ भी नहीं चलता है। ध्यान लगाने के बाद में इन सब चीज़ों पर अपने आप नज़र जाने लगती है, ध्यान करने के बाद ये सब चीज़ें अपने आप अनुभव में आने लगती हैं कि ज्ञान कब हुआ और दर्शन कब हुआ। और जब तक ध्यान की स्थिति नहीं बनेगी तब तक आप इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहेंगे, इसलिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। तो जो केवली भगवान हैं उनका दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, और एक साथ होने के बाद और सुन लीजिए, वो दर्शन के द्वारा आत्मज्ञ होते हैं और ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ होते हैं। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, यदि समझ में आ जाए तो बहुत अंदर पहुंच जाओगे, और नहीं समझ में आ जाए तो ठीक है माता जी ने कुछ कहा है, हमें समझ में तो आता नहीं, ठीक है कह लेती हैं और हम सुन लेते हैं। यानी जो केवली भगवान होते हैं वो दर्शन के द्वारा आत्मज्ञ होते हैं और ज्ञान के द्वारा सर्वज्ञ होते हैं। आत्मज्ञ का मतलब अपनी आत्मा को जानना और सर्वज्ञ का मतलब सारे संसार को जानना। बात समझ में आई कि नहीं? क्या कहा मैंने? आत्मज्ञ यानी ध्यान में अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में लीन रहना, आत्मज्ञ। और सर्वज्ञ यानी अपनी आत्मा के ही द्वारा सारे संसार को जानना। ये दो बातें एक साथ कैसे संभव है? संभव है जब ज्ञान स्वच्छ हो जाता है, दर्शन स्वच्छ हो जाता है, तो फिर इसमें कोई बाधा नहीं आती है। जैसे शीशा है, शीशा है, दर्पण, आईना, मिरर, है ना, तो उसमें वस्तुएं झलक रही हैं कि नहीं झलक रही हैं? आईना वस्तुओं को देखने का प्रयास कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन झलक सारा रहा है। ऐसे ही जो केवल ज्ञान होता है वो जब ज्ञान स्वच्छ हो जाता है तो वो केवल ज्ञान बन जाता है और उसमें तीनों लोक अपने आप झलकने लगता है। जहाँ देखने का प्रयास करना पड़े वहाँ कर्म बंध है, और जहाँ प्रयास ही नहीं है, पुरुषार्थ ही नहीं है, वहाँ तो झलक रहा है। ना उसमें राग है ना उसमें द्वेष है, इसलिए वे आत्मज्ञ भी हैं और इसलिए वे सर्वज्ञ भी हैं। जुगवम जम्हा केवली, केवली भगवान का दर्शन और ज्ञान एक साथ होता है, इसलिए भगवान के ज्ञान में तीनों लोग झलकने के बाद भी बाधा क्यों नहीं आती है? हमारे सामने एक सोने का टुकड़ा डाल तो दो, एक 2000 का नोट डाल तो दो, अभी हाल सबके दिमाग में कुछ कुछ शुरू हो जाएगा, है? अरे बोलिए ना, है? यानी कि जरा सा निमित्त मिलते ही हमारे परिणाम या अच्छे हो जाते हैं या खराब हो जाते हैं। हमें परिणामों को खराब करने में जरा सी देर नहीं लगती है, सेकंड नहीं लगता है, हम अपने परिणामों को इतनी जल्दी खराब कर लेते हैं। अभी जैसे कि निमित्त सबको मिलते हैं, ऐसा नहीं कि निमित्त किसी को नहीं मिलते, साधु संतों को भी निमित्त मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि साधु संतों को परिणाम खराब करने के निमित्त नहीं मिलते हैं। हाँ, ये बात ज़्यादा है कि आपको निमित्त ज़्यादा मिलते हैं, हमें कम मिलते हैं, ये बात ज़्यादा। अब आपको एक ही घर में रहना और उनके साथ जितनी घटनाएं घटी हैं उनको साथ लेकर रहना, लेकिन साधु संत तो आज यहाँ कल दूसरी जगह, जब आगे चले गए तो पीछे वाले छूट गए, और आगे चले गए तो पीछे वाले छूट गए। अब आप आओगे तो हमें याद आएगा, हाँ जी आप शिवपुरी के हो, हाँ जी आप राजकुमार जी हो, है आप ये हो, अब हमें याद आएगा, वरना अपने स्वाध्याय में लगे हैं, अपने उसमें लगे। एक भाई आए, बोले माता जी
आपको मेरा जन्मदिन याद है, मैंने एक दिन बताया था आपको। मैंने कहा भाई मुझे याद नहीं है। वो नाराज हो गया, बोले आपको मेरा जन्मदिन भी याद नहीं है। अब उसको मेरे से कितनी अपेक्षाएं हैं, कितनी अपेक्षाएं कि मैं उसका जन्मदिन याद रखूं। तो मैंने कहा भाई मुझे 24 भगवान के जन्म कल्याणा की याद नहीं है, मैं तेरा जन्मदिन की नहीं क्यों याद रखूंगी। और मुझे तुम्हें ही याद रखना होता तो ये शास्त्री घर छोड़ के क्यों आती, अपने घर वालों का जन्मदिन याद रखती, अपना स्वाध्याय क्यों करती, मैं तो घर में ही रहती, मैं जन्मदिन याद रखने होते। मैंने कहा मैं अपना भूल जाती हूँ। हाँ हाँ सच में, मुझे तो लोग बताते बोले माता जी आज आपका जन्मदिन है तब याद आता है, मुझे अपना जन्मदिन याद नहीं रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि राग और द्वेष के साथ में जो ज्ञान होता है वो ज्ञान कर्म बंध का कारण है। और भगवान को तीनों लोकों का ज्ञान हो रहा है उसके बाद भी कर्म बंध नहीं हो रहा है। आप कितनी टीवी देखते हो, आप कितने मोबाइल देखते हो, भगवान के ज्ञान में तीनों सब कुछ झलक रहा है। जितने मोबाइल है सारे, जितनी टीवी है सारी, जितने स्वर्ग के देवता हैं वो सारे, जितना नरक है वो सारा, सब कुछ झलक रहा है, फिर भी भगवान को कर्म बंध नहीं होता। और तुम एक मोबाइल देखते हो उसमें भी पाप लग जाता है। अरे बोलिए ना, ऐसा क्यों है? हैं? ऐसा इसलिए है कि भगवान वीतरागी हैं, उनको ना राग है ना द्वेष है, बस दिख रहा है। यदि देखने से कर्म बंध होता तो सबसे ज्यादा सिद्ध भगवान को होता, लेकिन देखने से कर्म बंध नहीं होता, देखने के बाद में जो राग और द्वेष होता है वो कर्म बंध का कारण है। और ये तो नहीं कह सकते कि आज छोड़ दो आप, क्योंकि एक मिनट में तो छूटने वाला है नहीं है। हाँ, इसे कम कर सकते हैं, धीरे 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 घटाओ, इसे कम करो। और ऐसे आप घटाना चाहोगे तो ये घटेगा भी नहीं। इसके लिए आपको स्वाध्याय, अपना मन सही जगह लगाओ, क्योंकि मन का काम है काम करना, प्रति क्षण विचार करना। उसे विचार करने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, बिना विचार के मन रह नहीं सकता है। यदि आप इसे अच्छा विचार देते हैं तो ये अच्छा कर लेगा, और इसे अच्छा विचार नहीं देते हो तो ये अपने आप ही जैसे घास फूस है, घास फूस उगानी पड़ती है कि उग जाती है। अरे बोलिए ना, उग जाती है। और गुलाब का पेड़, बाग बगीचा लगाना पड़ता है या अपने आप हो जाता है? लगाना पड़ता, बिल्कुल ठीक है, आप बहुत ज्ञानी हैं। ऐसे ही टेंशन के, चिंता के, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान के विचार अपने आप चलते रहते हैं दिमाग में, तुम ना चाहो तो भी चलते रहते हैं, है ना। और यदि इस दिमाग में, इस मन में, बुद्धि में यदि अच्छे विचार करने हो तो उसके लिए किताब की जरूरत है, उसके लिए शास्त्र की जरूरत है, उसके लिए प्रवचन की जरूरत है, उसके लिए अच्छी संगति की जरूरत है, उसके लिए घर में स्वाध्याय करने की जरूरत है, इन सब चीजों की जरूरत है। तो मन का काम है प्रति क्षण विचार करना, तो राग द्वेष ऐसे कम नहीं होगा। अपने मन को अच्छे काम में लगा दो, अच्छे विचार में लगा दो, अच्छे स्वाध्याय में लगा दो, तो ये उधर से अपने आप हट जाएगा। इसको पकड़ के हटाना नहीं पड़ेगा, और ये हटने वाला भी नहीं है। इसको हटाने के लिए तो बस जैसे वो कहानी आती ना, वो जिन्न की कहानी आती है कि किसी ने जिन्न सिद्ध कर लिया। अब वो सिद्ध तो कर लिया, अब सिद्ध करने के बाद वो आए, बोले काम बताओ, बोले मेरा महल बना दो, महल बन गया। बोले और काम बताओ, बोले कुआं खोद दो, कुआं खोद दिया। बोले और काम बताओ, अब वो बोले काम बताओ नहीं तो तुझे खा जाऊंगा। क्या बोला? काम बताओ वरना तुझे खा जाऊंगा। तो उसने कहा एक काम कर, यहाँ एक बांस गाड़, इस जमीन पे एक बांस गाड़ और उस पर चढ़, उतर उतर चढ़, जब तक मैं दूसरा काम ना बताऊं तो यही काम करते रहे। हैं? ऐसे ही मन है, मन हमारा जिन्न है, जैसे वो जिन्न शक्तिशाली है,
जिनने 50,000 काम कर सकता है, ऐसे ही हमारा मन भी बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत अच्छे अच्छे काम भी कर सकता है, और तुमने इससे अच्छे काम नहीं कराए तो ये तुम्हें ही खा जाएगा, तुम्हें चिंता में डाल देगा, तुम्हें टेंशन में डाल देगा। बोलिए हाँ या ना। ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल हैं मेरे साथ में। एक बार मैं एक शहर में गई तो वहाँ पर सुबह भी प्रवचन था, शाम को भी प्रवचन था। एक दिन शाम को एक महिला प्रवचन शुरू होने के आधे एक घंटे पहले आ गई, तो मैंने कहा आज क्या बात है, टाइम तो भी हुआ नहीं प्रवचन का। बोले नहीं आपको कुछ बताना है। भाई क्या बताना है? बोले मुझे इतना डिप्रेशन था कि मैं घर से नहीं निकल पा रही थी। 2 महीने हो गए मैंने मंदिर आए हुए, लेकिन बस ये पता चला कि आप आई हो तो मैंने आना शुरू किया, और जैसे ही मैंने प्रवचन सुने आज मुझे लग रहा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई, और अभी 3 दिन हुए आपके प्रवचन सुनते। तो मतलब समझ गए। एक और उदाहरण है, एक बहन जी थी, वो दिन में 9 गोलियां खाती थी, और जब मैं वहाँ पहुँची तो वहाँ पर वो प्रवचन में रोज आने लगी, और वो प्रवचन अच्छे लगते, वो फीलिंग पूरे दिन रहती, मन प्रसन्न सा रहता, मन खुश खुश रहने लगा। अब उसने सोची अब धीरे धीरे करके 1-1.5 महीना मैं वहाँ पर रही, जहाजपुर की बात है, तो 1-1.5 महीना जब वहाँ रही तो 1-1.5 महीना के बाद आई, बोले माता जी मैंने तो सारी गोली छोड़ दी। शरीर बीमार क्यों है? कल मैंने बताया था कि तन का प्रभाव चेतन पे पड़ता है और चेतन का प्रभाव तन पे पड़ता है। यदि तुम बीमार होते तो आज यहां नहीं आते, ठीक है? यदि बुखार आ जाए, कुछ हो जाए तो आप वहीं लेटे रहोगे, तो तन का प्रभाव चेतन पे पड़ा। न मंदिर आ पाओगे, ना पूजा कर पाओगे, ना अभिषेक कर पाओगे, ना दुकान जा पाओगे, तो क्या तन का प्रभाव चेतन पे पड़ा है ना? और यदि चेतन ने ज्यादा गड़बड़ करी तो तन बीमार हो जाएगा। तो चेतन का प्रभाव तन पे पड़ा। वैसे दोनों द्रव्य अलग अलग है, दोनों का परिणमन अलग अलग है। शरीर का परिणमन शरीर में है और आत्मा का परिणमन आत्मा में है, लेकिन जब तक कर्मों के साथ है तो ये सारी चीजें असर हम पे करती है। ये बिना असर किए हुए भी नहीं रहती, हम एक्सेप्ट करते हैं इन्हें, हम ग्रहण करते हैं इन्हें, हम ग्रहण करते हैं इसलिए फिर भाव भी बनते हैं, और भाव बनते हैं तो फिर कषाय और पाप भी होते हैं, फिर और कर्म आते हैं, फिर और ग्रहण करते हैं, और ऐसे करते 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 ये संसार और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है, और इतना बढ़ जाता है कि डूब जाते हैं संसार में। और अभी तो हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि हम जीव हैं, अभी तो हम समझ पा रहे हैं कि ये कर्म है, अभी तो हम समझ पा रहे हैं ये तन है, ये चेतन है, अभी तो हमें सब कुछ समझ में आ भी रहा है। और यदि अभी हमने नहीं सुधारा तो ऐसी गतियां मिल जाएंगी कि वहां जाने के बाद सुधारने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक चींटी है, मक्खी है, मच्छर है, बताओ क्या कर सकते हैं? बस कर्म फल चेतना चल रही है, कर्मों का फल भोगो और पड़े रहो गतियों में। कम से कम यहां तो हम अपने आप को सुधार सकते हैं, यहां तो हम अपनी आत्मा की उन्नति करके, हम अपने ज्ञान का विकास करके, चरित्र का विकास करके, सम्यक दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, लेकिन नहीं, अभी तो घर के काम दिखते हैं, अभी तो दुकान दिखती है, अभी तो नोट पानी दिखते हैं, अभी तो यही सब चीजें दिख रही है। फिर कहते हो क्या करें, हमें तो मरने की फुर्सत भी नहीं है, प्रवचन में कैसे आए। लोग कहते हैं ना, अरे बोलिए ना, कहते कि नहीं कहते, आज तुम्हें धर्म करने की फुर्सत नहीं है, फिर ऐसी गति मिलेगी कि फुर्सत ही फुर्सत होगी मगर धर्म नहीं होगा। क्या? अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, चिड़िया है, क्या काम है उसके पास? फुर्सत ही फुर्सत, पूरे दिन फुर्सत है। गधा है, उसके पास क्या काम है? पूरे दिन फुर्सत। उसका मालिक काम ले ले तो ठीक है, और नहीं तो फुर्सत ही फुर्सत है। मक्खी के पास क्या काम है? मच्छर के पास क्या काम है? कोई काम नहीं है। ये कौन है?
कौन पहुंच गया वहां मक्खी मच्छर बन के? मनुष्य पर्याय तो मिली मगर उसका उपयोग नहीं किया। तीन चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और आत्मा के गुण में दर्शन का। देने में सम्मान का, नहीं करने में अपमान का, और आत्मा के गुणों में ज्ञान का। पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का, पढ़ने में अध्याय का, और करने में स्वाध्याय का। बच्चों में बाय बाय का, बड़ों में हाय हाय का, और हमें मिलने वाली मनुष्य पर्याय का। सतियों में राजुल का, नदी में पुल का, और हमारी मनुष्य में मिलने वाले जैन कुल का, और आपके लिए गुरुमुख से प्रवचन सुनने का। अब शब्द बोलिए, मैं महत्व बता दूंगी। छतरी मंदिर, पानी में समंदर का, होने में आत्मा के अंदर का, और शिवपुरी में छतरी मंदिर का। और बोलिए, अरे एक बहुत अच्छी किताब मिलेगी आपको आज, उसका नाम है टर्निंग पॉइंट। किताब का क्या नाम है? टर्निंग पॉइंट। टर्निंग मोड़, किसका? जीवन का। उसको पढ़ोगे तो जीवन में परिवर्तन आएगा। ऐसी किताब आपको शाम को मिलेगी, जो शिवपुरी से जाने के बाद लिखी है मैंने, और अब शिवपुरी लेकर के आई हूँ। और भी हैं, एक किताब है आप VIP हैं। आप VIP कैसे हो ये किताब पढ़ के पता चलेगा, है ना। एक ही स्मार्ट कौन, हर कोई स्मार्ट बनने का प्रयास कर रहा ना, कोई सूट पहन के, कोई जीन्स पहन के, कोई बाल फैला के, कोई लिपस्टिक लगा के स्मार्ट बनना चाहते हैं। लेकिन स्मार्ट कौन किताब पढ़ो, उसमें पता चलेगा स्मार्ट कौन है। भक्तांबर की दीप अर्चना का, गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और भक्तांबर अर्चना में दीप का। बोले 24 भगवान की जय। गुरु करम गुरुज भारत गौरव गणी अर्का गुरु स्वस्ती भूषण माता जी की जय। आके साक्षात इंद्र बन के पूरी अभिषेक और शांति धारा करने का सौभाग्य मुझे और मेरे परिवार को प्राप्त हुआ, इससे ज़्यादा माता जी की मेरे पे असीम अनुकंपा है। उनकी कृपा से आज मैंने यहाँ पे बढ़िया अभिषेक और शांति धारा की, यहाँ आके बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। भगवान मुनि सुवर्तनाथ भगवान की इच्छा में माता जी, ये बड़ा ही सौभाग्य का दिन है कि मुझे आज प्रभु का शांति धारा अभिषेक करने का मौका मिला। मैं जब पिछली बार आया था तब भी प्रभु की कृपा से शांति धारा कर पाया था, और उस समय मैं भावना भाया था कि प्रभु मुझे मौका देना कि मैं 3-4 दिन आके यहाँ रुकूं। तो प्रभु ने मेरी बहुत जल्द से जल्द सुन ली और मुझे मौका दे दिया। मेरी बहन का विवाह करने का यहाँ मौका मिला है, तो हम आए हैं, और ये बहुत ही अच्छी धर्मशाला है। यहाँ पे मैं निवेदन करता हूँ, हम बड़ी बड़ी होटलों में तो हम लोग हमेशा ही जाके शादी विवाह करते हैं, पर अपने तीर्थ क्षेत्र में जाके शादी विवाह करने का एक अलग ही मजा है। तो जितने ज़्यादा हो सके आएँ यहाँ पे और लाभ उठाएँ और प्रभु का दर्शन करें, प्रभु की शांति धारा करें। ये मंगल भावना पाता हूँ कि प्रिया और विशाल की शादी निर्विघ्न संपन्न हो। माता जी आशीर्वाद रखिएगा कि कोई विघ्न नहीं आए, सब कुछ अच्छे से हो। जय जी नंद बनो। स्वस्ति धाम आपको बुला रहा है। अवसर आया है मुनिसतनाथ भगवान के जहाज मंदिर में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर चतुर्थ वार्षिक महामहोत्सव कलशाभिषेक एवं रथ यात्रा महोत्सव का। बंधुओं, परम पूजनीय भारत गौरव गुरुमा गण्य आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगलमय आशीर्वाद और उनकी संगस्थ छुलिका अर्थमती माता जी के सत्संग पावन सानिध्य में आने वाली 6 फरवरी को एक भव्य भजन संध्या का आयोजन यहां पर होगा, और 7 फरवरी को मुनिश्वरनाथ भगवान को जहाज मंदिर की मूल वेदी में विराजमान होने के 4 वर्ष पूरे होने के शुभ अवसर पर सुबह 6:30 बजे से मुनिश्वरनाथ विधान
और ठीक 8 बजे से अतिशयकारी बड़े बाबा मनीषनाथ भगवान का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक और पूज्य माता जी के मुखारविंद से विशेष रिद्धि मंत्र के साथ में शांति धारा होगी और उसके बाद में एक बहुत ही भव्य सुंदर अप्रतिम स्वर्ण का भामंडल बनकर के आया है और उसकी स्थापना होगी और एक नवीन छत्र यहाँ पर लगाया जाएगा। बंधुओं, उसके बाद में एक बहुत ही भव्य रथ यात्रा स्वस्ति धाम परिसर में निकाली जाएगी। मैं तो चाहता हूँ आप यहाँ पर आए और इस विशेष दिन विशेष बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो शांति धारा होगी आप अपने परिवार की ओर से करवा सकते हैं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, आप यहाँ पधारें, आपके लिए आवास एवं भोजन की समुचित व्यवस्था है। धन्यवाद। जन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे, पिता सुमित्र के राज दुलारे। अपने इस मानव भाव को सफल बनाने का आपके जीवन में आया है अभूतपूर्व अवसर। स्वस्ति धाम प्रणेत्री परम विदुषी लेखिका भारत गौरव आर्यका श्री स्वस्ति भूषण माता जी की पावन प्रेरणा एवं मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की धन्य धरा पर स्थित सिद्ध क्षेत्र सोनागिर के पवित्र पर्वत पर बन रहा है भव्याति भव्य सहस्त्रकूट जिनालय। आप अपने व अपनों के नाम से एक प्रतिमा अथवा एक से अधिक प्रतिमाएं विराजमान कर सहस्त्र पुण्य के भागीदार बने। एक प्रतिमा की न्योछावर राशि 1,11,000 रुपए मात्र। अपनी स्वीकृति प्रदान करने हेतु दिए गए नंबरों पर शीघ्र संपर्क करें। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाज पर।